नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। दोस्तों, अचार बनाने और सब्जी में तड़का लगाने में काम में आने वाली राई आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। राई के छोटे छोटे दानों में आपकी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का हल छुपा हुआ है और आज के इस पैकेज में हम आपको राई के कुछ औषधीय गुणों के बारे में ही बताने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका हृदय शिथिल हो रहा है और घबराहट के साथ आप बेचैनी और कंपन महसूस कर रहे हैं, तो अपने हाथ और पैरों में राई को पीसकर मलना आपको आराम दिलाने में मदद करेगा। राई में मौजूद माइरोसिन, सिनिग्रिन जैसे रसायन त्वचा के रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। राई को रात भर पानी में भिगोकर सुबह इस पानी को त्वचा पर लगाने से त्वचा की कई तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती है। कई बार बुखार आने के साथ ही जीभ पर सफेद परत जमा हो जाती है और भूख व प्यास धीरे धीरे कम होने लगती है। इस तरह का बुखार होने पर सुबह के समय 4 से 5 ग्राम राई के चूर्ण को शहद के साथ लेने से कफ के कारण होने वाला ये बुखार ठीक हो जाता है। शरीर के किसी स्थान पर कांच या कांटा चुभ जाने की स्थिति में राई को शहद में मिलाकर प्रभावित स्थान पर लेप करने से कांच या कांटा त्वचा के अंदर से अपने आप बाहर निकल आता है। कुष्ठ रोग हो जाने पर पिसा हुआ राई का आटा 8 गुना गाय के पुराने दूध में मिलाकर प्रभावित स्थान पर कुछ दिनों तक लेप करने से रोग ठीक होने लगता है। राई के घोल को सिर पर लगाने से सर के फोड़े फुंसी ठीक होते हैं। इसके अलावा बालों का झड़ना और डैंड्रफ जैसी समस्याओं में भी फायदेमंद होता है। राई को पीसकर उसमें कपूर मिलाकर जोड़ों पर मालिश करने से आम वात और जोड़ों के दर्द में फायदा होता है। कुछ इलाकों में मिट्टी का तेल मिलाकर भी इस लेप का प्रयोग किया जाता है। कान में दर्द होने पर राई के तेल को गर्म करके 2 से 3 बूंद कान में डालने पर दर्द में आराम होता है। कई बार बहरेपन के इलाज के तौर पर भी इसे काम में लाया जाता है। धूम्रपान से होंठ काले हो जाने पर अकरकरा और राई को समान मात्रा में पीसकर दिन में 3-4 बार लगाने से कुछ ही दिनों में होठों का रंग सामान्य हो जाता है। आधे सिर का दर्द होने की समस्या में राई को बारीक पीसकर दर्द वाले हिस्से पर लगाने से आधे सिर का दर्द या माइग्रेन में तुरंत आराम मिलता है। तो दोस्तों, आज से ही राई का सिर्फ खाने में छोंक लगाने के अलावा भी और स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।